Bismillahir Rahman Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the Entrepreneurial Mindset course. I will be talking about the fourth principle of effectuation theory called crazy quilt. Effectuation theory ke chauthe principle jiska naam hai rally keh sakte hain usko sindhi aur urdu mein rally aur quilt ye kambal hai ek aisa kambal jo mukhtalif tukdon se बचे हुए और फालतू और मुख्तलिफ शक्लों साइजेस के टुकड़ों को जोड़ के जो रली बनती है उसको हम कहते हैं क्रेजी क्विल्ट प्रिंसिपल। और इसका मतलब ये है कि जनाब जिस तरह एक रली मुख्तलिफ टुकड़ों से जुड़कर बनी है, इसी तरह आप एक ऐसी टीम बनाएंगे सफ़र में एंटरप्रेन्योरशिप के, जिसके अंदर लोग मुख्तलिफ लोग जमा हो जाएंगे जिनका जहन और मकसद एक हो जाए। जैसे सब रलियाँ रली के टुकड़े मिलके अगर रली बना रहे हैं तो ऐसे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो खूबियों के साथ एक मकसद को हासिल करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो होगा कि बजाय इसके कि ये एक दूसरे के मुकाबले में आए, ये ताफ़न और मुआवन बनेंगे एक दूसरे के। तो ये रलियाँ रली के टुकड़े मुआवन बने ताकि एक बड़े मकसद को हासिल किया। तो ये माइंड सेट जो है हम ये देखेंगे कि ये कैसे, ये देखिए कि यहाँ पर कैसे ये साहब उनको आपकी तरफ खींच रहे हैं और एक पार्टनरशिप बनाने की तरफ उनका पर्पस है। तो वंस अगेन इसका थोड़ा सा तारुफ, जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी और सफ़र है ये जद्दोजहद और मुशक्क़त और मेहनत से इबारत है। जैसे इकबाल ने कहा था, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अगर आप जिंदा हैं तो अपनी दुनिया खुद बनाएं। तो ये जो एक मेहनत और मुशक्क़त और एक एफर्ट की जो दुनिया है इसके अंदर मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी गैर यकीनी सूरत हाल होती है। इस गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर इफेक्टुएशन थ्योरी कहती है कि आप तावुन के लिए अपने आप को और मुआवनत के लिए अपने दिमाग को खुला रखें। तो बजाय इसके कि मुकाबले का जहन हो और टकराव का जहन हो, और इस कैफियत को बदल कर आप तआवुन और मुआवनत और सीखना और हेल्प करना, हेल्प लेना, इसका जहन जो है ना वो चाहिए होता है। और इसमें एक ऐसे फ़र्द की ज़रूरत होती है जो खुशगवार भी हो, सुनने के लिए तैयार भी हो, सीखने का जज्बा भी रखता हो, जो ये कहे कि मुझे थोड़ा आता है और मैं एक तालिबे इल्म हूँ, और ये जज्बा कि मुझे सब कुछ आता है इंतहाई ख़तरनाक होता है जी। तो ये जज्बा, इसलिए एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके अंदर आर्जी भरी हुई हो, हम्बल ह्यूमिलिटी। तो जिसके अंदर ह्यूमिलिटी होगी तो उसकी तरफ ही इल्म जो है वो उसका बहाव होगा। इल्म और पानी यानी चाय की तरफ बहते हैं, इल्म का बहाव भी उधर होगा जहाँ पर लोग अपने आप को आजिज मुनकसर अलमिजाज समझेंगे। तो ये जो खूबियाँ हैं, बकौल इकबाल के निगाह बुलंद यानी सोच भी बड़ी हो, सुखन दिल नवाज, और ज़ुबान से जब बात निकले तो दिल को भाने वाली हो, सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस यानी दर्द रखने वाला दिल, और एम्पथाइज करने वाला, दूसरों की हमदर्दी करने वाला, उनके लिए दर्द रखने वाला ये दिल हो, तो यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। जो कारवां को चलाने वाला जो लीडर है या एंटरप्रेन्योरशिप को चलाने वाला जो साहब हैं, उनका जो रख्त सफ़र है, उनका ज़ाद राह जो है, यही चीज़ें हैं, निगाह बुलंद, सुखन दिलनवाज, जहाँ पुरसोस। तो ये खूबियाँ अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमारे अंदर भी पैदा हो जाएं, ताकि वो जिस टीम को जोड़ना, उसको साथ लेकर चलना और उसको एक मकसद हयात के ऊपर लाना, ये एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो हम इससे पहले कि थोड़ा सा दोनों मॉडल्स को समझ लें कि एक कॉजल मॉडल और इफेक्चुअल मॉडल, दोनों मॉडल्स में टीम बिल्डिंग और क्विल्ट का क्या पर्सपेक्टिव है, दोनों में फ़र्क क्या है। जो हमारा कॉजल मॉडल है जिसमें आप एक विजन से शुरू करते हैं, एक टारगेट लेते हैं, उस टारगेट को लेने के बाद फिर हम देखते हैं कि मेरे पास असबाब कौन कौन से हैं, मीन्स, तो हम देखते हैं कि M1 M2 तो M3 इस तरह ये मीन्स हम देखते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं। तो कॉजल मॉडल के लिए हम मिसाल के तौर पर, हम IBA में अपने यहाँ एक्सरसाइज भी कराते हैं, हम ग्रुप्स में 7-8 5-6 बच्चों के ग्रुप्स को ये एक पज़ल दे देते हैं
इस पजल के अंदर उनको एक तस्वीर दे देते हैं पहले से कि ये तस्वीर है, ये इसके टुकड़े हैं, आप इस तस्वीर को देखें और इन टुकड़ों को जोड़कर इसी तरह की एक तस्वीर बना दें। गोया उन्हें हम सबसे पहले गोल दे देते हैं कि ये आपका गोल है, आपने ये वाली तस्वीर बनानी है, वो कागज पे बनी होती है और ये इसके टुकड़े हैं। तो अब नौजवान क्या करते हैं, ये आपस में बैठ जाते हैं और इनको हम कहते हैं आधे घंटे में आप मुकम्मल करें। तो ये इस ग्रुप में मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें हैं पेश वकूअ पज़ीर होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो उस तस्वीर को देख कर कोनों से शुरू कर देते हैं, वो कुछ कोनों को कुछ एक तरह के चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं एक रंग के, तो इस तरह ये इस टीम में ग्रुप्स बन जाते हैं। और वो जो है चूँकि एक मुकाबले की कैफियत होती है कि जल्दी करना है, इसी तरह के और टीम्स भी होती हैं 6-7, तो हर टीम दूसरे के मुकाबले में कि उनसे पहले हमारी पज़ल मुकम्मल हो जाए मुकाबले की कैफियत बन जाती है। और हमने ये देखा है कि 15-20 मिनट जब गुजर जाते हैं तो इनके इस इंथ्यूजियाज़म जोश व खरोश में कमी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये गेम जो है ना वो 2-3-4 घंटे मांगती है ये पूरा बनाने में। तो शुरू में 15-20 मिनट तो बहुत जोश व खरोश होता है, फिर जोश व खरोश कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस काम में जो दिलचस्पी है जो तवज्जो है ये एक रूटीन टास्क मालूम होता है। एक तरह की चीज़ें इकट्ठी करो, फिर इनके कोने तलाश करो, एक रूटीन की हरकत, इसमें कोई जिद्दत कोई क्रिएटिविटी नज़र नहीं आती। तो इसमें से चंद लोग काम करने वाले रह जाते हैं, अक्सर लोग उनकी तवज्जो हट जाती है, साइडों पर बैठ जाते हैं। तो ये वो टिपिकल एग्जाम्पल है जो कॉजल मॉडल है जो हमारे मैनेजमेंट इंजीनियरिंग और मेडिसिन में सिखाया जाता है कि हम अस्पताल बनाएंगे, हम एक कारखाना बनाएंगे, तो उसके अंदर आपको टीम्स बनानी पड़ती हैं, इन टीम्स को धक्के से मेंटेन करना पड़ता है, इनको इनको क्या ये गोल से एक टारगेट से शुरू होते हैं। तो इस केस में द कॉजल एंटरप्रेन्योर, अगर एंटरप्रेन्योर ये वाली अप्रोच अख्तियार करता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो माहौल को देखता है, स्कैन्स द एनवायरनमेंट, वो सबसे पहले देखेगा कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है और कौन कौन से मौके हैं। तो उसको फॉर एग्जांपल ये मौका मिल गया कि ये पजल बनाए इस गेम के हवाले से, तो वो फिर वो ये देखता है कि जनाब मेरे पास 5 लोग मुझे मिल गए हैं, तो हम मिलके 2-2-3-3 टोलियों में इस तरह की चीज़ उसको बनाते हैं। तो ये हमारा गोल है और ये इसके असबाब हैं, चीज़ें हैं और हम बंदे हैं, तो हम मिलकर इस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये है इसका इस कॉजल मॉडल में। तो इस तरह के मॉडल में हम देखते हैं कि टीम के अंदर आपस में लड़ाइयाँ झगड़े हसद बुग़्ज़ कीना और मुकाबले की फ़ज़ा पैदा होती है। ये मॉडल भी कभी ज़िंदगी में चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर बनाना है ठेके पर, आपने डिज़ाइन कर लिया, आपको पता है ये मेरा टारगेट है, तो उस सूरत में ऑफकोर्स कॉजल मॉडल चलेगा। लेकिन जब अननोन और नई चीज़ बनाना चाहते हैं तो फिर इफेक्चुअल मॉडल। तो इफेक्चुअल मॉडल हम ये बताते हैं कि जो ज़िंदगी में जहाँ पर गैर यकीनी सूरत हाल हो वहाँ टीम को कैसे इफेक्चुएशन थ्योरी कैसे लेकर चलती है। यहाँ पर आप ये देखें कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि IBA के बच्चों को यहाँ से एक बच्चों को साथ साथ ये छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े दे दिए और फिर इनको कहा कि अपनी मर्ज़ी के 5-5 के अपनी मर्ज़ी के ग्रुप बनाओ और अपनी मर्ज़ी के ग्रुप बनाकर इन टुकड़ों को जोड़कर कोई खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाओ, क्विल्ट बनाओ, रली बनाओ। तो ये यहाँ पर हमने ये देखें कि टीम अपनी मर्ज़ी की बनाई इन्होंने और उसमें पहले एक आदमी था, फिर उसने दूसरे बंदे ने ज्वाइन किया, फिर तीसरे ने ज्वाइन किया। तो इस तरह आप ये देखें कि पहले बंदे ने गालबन यहाँ से शुरू किया, दूसरा और उसके बाद 7 टुकड़े थे उसने ये भी कर दिया, फिर दूसरा बंदा आया वो नई चीज़ था उसने ये डिज़ाइन लेकर आ गया, तीसरा ये वाला डिज़ाइन लेकर आ गया। तो हर आने वाला एक नया मीन भी ले, ये पहले आदमी का मीन है M, ये दूसरे आदमी का मीन है। तो आप ये देखें कि हर आने वाला नया मीन नया असबाब लेकर आ रहा है, तो हर आने वाला इस पूरे पिक्चर के अंदर इजाफा करता जा रहा है। और जिस आदमी ने बनाना शुरू किया था शुरू में उसको भी नहीं पता था कि मैं क्या बना रहा हूँ, उसने कहा कि चलो जितना मेरे पास है ना इससे कुछ तो बनाओ। तो वो जो मीन्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो ये इफेक्चुएशन में पहले हम ये देखते हैं कि मेरे पास क्या है, मीन्स क्या है, मेरे पास क्या है, उसके बाद देखते हैं कि इससे क्या बन सकता है। तो हम ऐसे चलते हैं, अगर आप याद करें कि हम यहाँ पर ऐसे चलते हैं, असबाब को देखकर हम चलते हैं कि हम क्या एंड्स, क्या इमेजिन एंड्स, क्या काम कर सकते हैं। इसी तरह इस एक्सरसाइज में
होता ही है कि जो पहले आदमी आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, उन तीन चार पांच छह के आइडियाज और क्रिएटिविटी इतनी जेल हुई होती है कि यहाँ पर ना लड़ाई होती है, ना झगड़ा होता है, ना मुकाबले की कैफियत होती है, और हर आदमी मिलजुल कर एक नई दुनिया बनाने की जस्तजू में लगे होते हैं। एक दूसरे को जगह भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, मशवरे को इम्पोर्टेंस भी देते हैं। वहाँ पर भी ये काम किए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर शौरी तौर पर बहुत बेदार होना पड़ेगा। इस मॉडल के अंदर कुदरती अल्लाह ताला ने यह सलाहियत रखी है कि इस तरीके से अगर चलेंगे, जब अननोन्स की दुनिया में मशवरे से चलेंगे, रिस्पेक्ट से चलेंगे, तो स्टीम में मोहब्बत जगांगी होगी। तो अभी देखते हैं कि इफेक्चुअल रीजनिंग इज मोर लाइक पैच वर्क क्विल्ट। इफेक्चुअल रीजनिंग जो है वो इस रली की तरह होती है इन ए ग्रोइंग नेटवर्क। जब आपका नेटवर्क टीम में इजाफा होता चला जाता है तो सेल्फ सेलेक्टेड स्टेक होल्डर्स, यानी आपके साथ ऐसे लोग शामिल होंगे जो अपनी मर्जी से आपकी टीम में आएंगे, सेल्फ सेलेक्टेड, अपने आप को सिलेक्ट करके कहेंगे कि सर मुझे आप शामिल करें प्लीज़, मेरे पास भी कुछ है, मैं अपना दिमाग अपने अपने रिसोर्सेज लेकर आ रहा हूँ। उससे मीन्स में इजाफा हो जाएगा। ईच ऑफ देम इन्वेस्ट्स, हर आदमी इसमें कुछ इन्वेस्ट करता है, ओनली व्हाट ही कैन अफोर्ड टू लूज। तो हर आदमी अपनी चीज़ें लेकर आता है। जो हमने दूसरा प्रिंसिपल पढ़ा था अफोर्डेबल लॉस का, ये आदमी कहेगा कि मैं अपना 10-20% से खेल रहा हूँ, दूसरा आदमी कहेगा यार मेरा भी 20% डाल लो। तो ये पहले $200 इसका फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपया था तो उसका 200 लग रहा था, दूसरा आदमी भी 200 लेकर आ गया अपने 1000 में से, और ये आदमी 10000 में से 2000 लेकर आ गया 20%। इस तरह इन तीनों का जब अफोर्डेबल लॉस एबिलिटी टू अफोर्ड टू लूज, जो उनकी ज़ाया करने की सलाहियत है, उसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये बड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह ईच ऑफ दीज पार्शल शेप्स, ईच ऑफ दीज पार्शली शेप्स व द न्यू एंसुइंग, ये तीनों मिलकर एक नई सिमत और रुख और एक सिमत देते हैं इस कंपनी और इदारे को, और एक नया डायमेंशन, एक नया रास्ता, एक ऐसी तस्वीर बन जाती है जो उनके वहम व गुमान में भी नहीं थी। तो जब हम अपने बच्चों से पूछा कि जब वो ये बना चुके थे कि आपको ये पता था कि आप ऐसा बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे वहम और गुमान में भी नहीं था हम ऐसा बनाएंगे, इनके वहम और गुमान में भी नहीं था कि हम ऐसा बनाएंगे। तो यही तो ज़िंदगी है। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है तो वो जो चीज़ निकलेगी, अनफोल्ड होगी, वो हमें नहीं पता वो क्या होगी। और वल्लज़ीना जाहदू, अरे तुम जद्दोजहद तो करो। नियत ये कुरान की आयत उन लोगों के लिए जो इखलास के साथ और खिदमत के साथ अल्लाह को राज़ी करने के साथ काम करते हैं। वल्लज़ीना जाहदू, तुम जद्दोजहद तो करो, लना दियन्नहुम सुबुलना, रस्ते हम दिखाएंगे, तो अल्लाह सुब्हान ताला अनफोल्ड कर देंगे। तब इसमें ये देखिए कि इस तरीका सोच में और इस तरीका क्विल्ट के प्रिंसिपल ये बता रहे हैं हमें कि यहाँ पर बिल्डिंग पार्टनरशिप पे जोर होता है, कि मोहब्बत, हमदर्दी, इखलाक जोड़ा जाए, रादर दैन कम्पेटिटिव, बजाय इसके के मुकाबले का जहन हो। ये जो प्रिंसिपल है ये अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल के साथ ऐसे जुड़ जाता है। वो ऐसे कि मेरे पास जब मैं दो बंदे जुड़ेंगे तो मेरा जो खोने की विलिंग एबिलिटी टू, जो मेरी जो चीज़ों को वक्त, जान माल, वक्त स्पेंड करने की सलाहियत थी, इस बंदे के जो जान माल वक्त स्पेंड करने की सलाहियत थी, जब दोनों मिलेंगे तो जान माल वक्त लगाने की सलाहियत में इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह यह है कि जब क्विल्ट प्रिंसिपल ऑपरेट होता है तो अफोर्डेबल लॉस में इजाफा हो जाता है, तो बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। और इसके अलावा जब क्विल्ट में इजाफा होता है तो इन दो तीन बंदों के मिलने से गैर यकीनी हालत कम हो जाती है। एक आदमी अकेला चला, दूसरा साथी मिल गया, उसके पास मोटरसाइकिल भी है, तो अब मंडी से या जोड़िया बाजार से चीज़ लाना, रिक्शे में पैसे खर्च हो रहे थे, अब मोटरसाइकिल पे जाना आसान हो गया, और उस तीसरे बंदे के वहाँ रिश्तेदार भी थे तो वहाँ पर पहुँचना और सौदा उनको कीमत कम कराना आसान हो गया, तो गैर यकीनी कैफियत में कमी आ गई, तो सरप्राइजेज मैनेज हो गए। तो लेमोनेड प्रिंसिपल का तअल्लुक भी क्विल्ट के साथ है, ठीक है जी। और चौथी चीज़ ये है कि एंटरप्रेन्योर जो है फिर वो एक जगह टारगेट नहीं बनाता, वो कहता है यार इधर भी जा सकता हूँ मैं, कहीं भी जा, इधर दूसरे दोस्त, तीसरे दोस्त, चौथा दोस्त, इधर गया, फिर इधर चला गया। तो आपने अपना टारगेट और गोल चेंज भी हो सकता है,
ठीक है जी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम इसको एग्जांपल्स देखते हैं। कराची फूड्स, महमूद साहब जो हैं, जो कराची के रहने वाले हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, सिनेमा घरों के बाहर बनाते हैं। एक दिन इनने कहीं से सुना कि तस्वीरें बनाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, तो ये मजहबी थे, वालदा से तذکرہ किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास नुस्खा है, और हलीम बनाने का, उनकी वाइफ ने कहा मैम साथ मिल जाती हूँ, भाइयों ने कहा हम भी साथ मिल जाते हैं। तो कराची की एक सड़क के ऊपर इन्होंने सर थड़े के ऊपर एक स्टूल, एक टेबल लगाया, स्टूल रखे, वहाँ पर हलीम बेचना शुरू किया। वो हलीम पहले दिन 500-600 का बिक गया। उन्होंने और बनाया, साफ सुथरा, प्रेजेंटेबल। ये बड़े तो ही थे ज़्यादा, लेकिन ये आर्टिस्ट और पेंटर होने की वजह से नफासत थी। बैनर्स बनाए, सफाई का ख्याल रखा, और वो जनाब रेडी, और फिर किराए की दुकान, और फिर बड़ी दुकान, और फिर अपनी दुकान, और फिर पूरा होटल। तो इनका पूरे फैमिली जो है ना, ये पूरा क्विल्ट, वो जो रल्ली थी इनकी, वो जो अम्मी से शुरू हुई, बेगम से, भाइयों से, बच्चों से, वो रल्ली हर आदमी अपना अपना हिस्सा डालता चला गया, और अपने अपने हिस्से का, ये अपनी अपनी सलाहियतें, अपना अपना सरप्राइजेस, अपने अपना जो है वो अफोर्डेबल लॉस में इजाफा होता चला गया। और वो बड़ा प्रोजेक्ट था, वो माशाल्लाह अल्लाह ने इनको अरबपति बना दिया, शारा फैसल पे, और डिफेंस में उनके सेटअप्स हैं। सैम्स केक फैक्ट्री, इस खातून ने पहले भी आई थी कहानी, के केक केक खरीदा अपने बच्चे की सालगिरह के, वो शानदार अच्छा नहीं था, तो इनको गुस्सा चढ़ा, और उन्हें कहा कि मैं खुद बनाऊंगी। सामान लाए, थोड़े से पैसों से बनाया, फिर उनके महल्ले वाले शामिल हो गए, उनको पसंद आ गया, सहेलियाँ बन गई। यूट्यूब से सीखा, हस्बैंड से, ससुराल से, या बच्चों से। तो ये क्विल्ट, इनका जो क्विल्ट बना, वो इस तरह इन लोग ये इनके मुआविन बन गए। रॉक्सन गुम्बी का क्विल्ट हम देख चुके हैं, मिस्टर बर्ट, रॉक्सन के बच्चे, वो ख्वातीन, और वो इस तरह, वो जो आदमी जो होलसेल मार्केट में चीज़ें लेकर बेचता था, वो सारे इनके मुआविन बन गए। फ्राई टैग ब्रदर्स की कहानी आपने यूट्यूब पर 10-11 मिनट की देखी होगी, दो भाइयों की कहानी, जहाँ पर वो उन्होंने एक ट्रक को, टारपोलिन वाले ट्रक को गुजरते देखा, और उनको मसला ये था कि उनको एक ऐसा बैग चाहिए था कि जब किताबें लेकर स्विट्जरलैंड में जाते थे तो इनकी किताब, इनकी चीज़ें गीली हो जाती थी, तो उनका क्या ऐसा बैग चाहिए जो चीज़ों को नमी से बचाए। तो टारपोलिन ट्रक को देखकर उन्होंने कहा वाह, ऐसा हमें कपड़ा चाहिए। तो रैक्सीन पुरानी खरीदी, अम्मी को, अब्बू को, दोस्तों को, दोस्तों के दोस्तों को, और यूं ये इनका क्विल्ट बन गया। बुलंद फैशन्स, हमारे मुफ्ती साहब हैं कराची में, और उन्होंने दरस निज़ामी किया, हाफिज़ भी हैं, आलम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, और उन्होंने कहा कि मैं तो कमाने की दौड़ में पीछे रह गया, तो मेरे भाई बिजनेस करते हैं, दोनों ने हमारा यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया। तो यहाँ उनको पता चला कि उनका बर्ड इन हैंड भी है और उनका क्विल्ट भी है। तो उनके अपने भाइयों से, वालिद मोहतरम से, दोस्तों से मशवरा किया, और मिलेनियम मॉल के अंदर जो जगह दुकान थी, वहाँ पर एक कोना उनको खाली नज़र आया उनके भाइयों की दुकान में। उस कोने में उन्होंने बच्चों के कपड़े कुछ खरीदे 25-30 हज़ार में, और वो अपने भाइयों की ज़ेर निगरानी में खड़े हुए और चंद घंटों में बिक गए। भाई के साथ चाइना गए, मुलाजमों को तैयार किया, दोस्तों को, और वर्ड ऑफ माउथ को इस्तेमाल करके इनका बिजनेस टेक ऑफ कर गया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कि तआवुन का जहन, इसके मुकाबले में स्वॉट एनालिसिस और MBA इंजीनियरिंग और MBA मॉडल्स, BBA, वो मुकाबले के जहन के ऊपर लाते हैं। हम मुकाबले के को थोड़ा सा समझेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन ऑब्सेशन, गलबा नहीं होना चाहिए। तो इन एग्जाम्पल्स के साथ हम तो करते हैं कि तआवुन वल बिर व तक्वा, हम तो हैं ही तआवुन वाले और खिदमत वाले और आजी वाले। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें ये प्रिंसिपल की समझ नसीब फरमाए। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहाँ पुरसोज, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए।